टाटा आईपीएल के लास्ट नॉकआउट मैच में हुई मुंबई इंडियंस की हार, फिर भी इतिहास रच गए यादव सूर्य कुमार। स्काई ने जनता को एंटरटेन कराया, एक बार फिर टी20 का नंबर एक बल्लेबाज होने का एहसास कराया। जब क्रीज पर थे सूर्या तो पांड्या, गिल, आशीष नेहरा और गुजरात के सभी फैंस सबके चेहरे लटके हुए थे। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2023 के लास्ट नॉकआउट मैच में मुंबई इंडियंस को गुजरात ने 62 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब गुजरात की टीम चेन्नई के साथ रविवार को भिड़ेगी। वहीं दोस्तों, इस मैच में 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई मुंबई की टीम लगातार विकेट गंवाती चली गई। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव क्रीज पर थे तो गुजरात की उल्टी सांसें चल रही थी, क्योंकि इकोनॉमी रेट में सूर्या एमआई को जीटी से आगे लेकर चल रहे थे। सूर्या ने सुपला शॉट से 50 किया पूरा, लेकिन विकेट भी गंवाना पड़ा। करत करत अभ्यास के चढ़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान। सूर्या ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 38 गेंदों पर 61 रनों की लड़ाकू पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के भी मौजूद थे। सूर्या जब क्रीज पर थे तो उम्मीदें बरकरार थी, लेकिन सूर्या के आउट होते ही मुंबई इंडियंस के फैंस मायूस हो गए। हालांकि इसी पारी के साथ सूर्या के 605 रन हो गए हैं इस आईपीएल सीजन में, और वह मुंबई की तरफ से 600 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले मुंबई के लिए यह कारनामा सचिन तेंदुलकर ने किया था। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की निर्भय बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।